बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। सो दिस वीडियो इज़ अबाउट द टॉक रिलेटेड टू द कम्युनिकेशन डायग्राम, और फॉर्मली हम इसको कोलैबोरेशन डायग्राम भी कहते हैं। सो कोलैबोरेशन डायग्राम और कम्युनिकेशन डायग्राम आर ऑलमोस्ट आइडेंटिकल टू द सीक्वेंस डायग्राम, जो कि UML फैमिली से ही ताल्लुक़ रखता है, बट दे मोर फोकस ऑन द रिलेशनशिप ऑफ द ऑब्जेक्ट्स। सो क्या इसका मतलब है, हाउ द ऑब्जेक्ट्स आर एसोसिएटेड विद ईच अदर, हाउ दे आर कनेक्टेड थ्रू द मैसेजेस इन अ सीक्वेंस रादर देन द इंटरैक्शंस। सो इन डिटेल हम जो है वो कम्युनिकेशन या कोलैबोरेशन के डायग्राम के बारे में आगे देखेंगे। सो सीक्वेंस इस एक जनरल डेफिनेशन में मैंने बात की सीक्वेंस डायग्राम की। सो हमने बिल्कुल अपना स्टार्ट लिया था इंटरेक्शन डायग्राम्स को देखने में। इंटरेक्शन डायग्राम्स में मेरे पास किस तरीके से ऑब्जेक्ट आपस में इंटरेक्ट कर रहे थे, उसके लिए मैंने एक डायग्राम उठाई सीक्वेंस डायग्राम, और वो हमने अपने पिछले सेशंस में देखी। सीक्वेंस डायग्राम की हमें समझ भी आ गई, नाउ वी कैन ड्रॉ इट वेरी इजीली। सीक्वेंस के अंदर जो हम चीज़ देखते थे वो हमारी टाइम सीक्वेंसेस में थी। हम ऑब्जेक्ट का एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन देख रहे होते थे, पर टाइम सीक्वेंसेस के लिहाज से देख रहे होते थे। डैट इज़ वाई जो मेरी सीक्वेंस डायग्राम थी वो टाइम ओरिएंटेड डायनामिक बिहेवियर को शो कराती थी, ठीक है। लेकिन ये जो डायग्राम है ये आपके ऑब्जेक्ट्स के दरमियान मैसेज पासिंग को शो करवाती है, ठीक है। सो सीक्वेंस डायग्राम आपकी टाइम ओरिएंटेड डायनामिक बिहेवियर शो करवाती थी, और ये कोलैबोरेशन डायग्राम या कम्युनिकेशन डायग्राम आपकी मैसेज पासिंग को शो करवाती है, ठीक है। सो सिस्टम के ऑब्जेक्ट्स के दरमियान मैसेज पासिंग हो रही होती है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जैसे आप यह डेफिनेशन में भी आप देख रहे होते थे कि हो कि फोकस किसके ऊपर है, कि कोलैबोरेशन डायग्राम ऑल्सो शोज द पासिंग मैसेजेस बिटवीन द ऑब्जेक्ट्स, बट इन फोकस जो है वो आपका इस डायग्राम में ऑर्डर के ऊपर हो रहा होता है, ठीक है ना कि टाइम सीक्वेंसेस के ऊपर। सो बेसिक नोटेशन, सो व्हाट आई कैन से बिफोर गोइंग टू द बेसिक नोटेशंस जो इस डायग्राम के अंदर यूज़ होती हैं, कि आपकी जो कम्युनिकेशन डायग्राम है वो समहाउ सेम इन्फॉर्मेशन जो है वो शो करवाती है जो आपको सीक्वेंस, इफ़ यू हैव द आइडिया अबाउट द सीक्वेंस डायग्राम जो कि हमने ऑलरेडी कर चुके हैं। सो आप देखोगे कि सेम इन्फॉर्मेशन है, लेकिन सीक्वेंस डायग्राम का आपका आइडिया क्या आपने याद रखना है कि उसका एम्फसाइज जो है वो उसका जोर जो है वो टाइम के ऊपर होता है, ठीक है ना। एंड वहाँ पे भी आप ऑर्डर जो है वो देख सकते हो, लेकिन कम्युनिकेशन जो आपकी डायग्राम है उसका एम्फेसाइज आपके ये जो ऑब्जेक्ट्स के दरमियान मैसेजेस एक्सचेंज हो रहे होते हैं इसके दरमियान होता है, ठीक है जी, इसके ऊपर होता है। सो आपको एक बिग पिक्चर कभी भी सीक्वेंस डायग्राम में नहीं शो हो सकती है, कि अगर आपने जो है वो एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव देखना हो विद इन अ प्रोसेस, तो उसके लिए आपको हमेशा कोलैबोरेशन डायग्राम की तरफ आना पड़ता है, कम्युनिकेशन डायग्राम की तरफ आना पड़ता है, ठीक है। सो सो आपके जितने भी बेनिफिट्स आपको सीक्वेंस डायग्राम में मिलते हैं, ऑलमोस्ट ऑल बेनिफिट्स यू आर गोइंग टू गेट इन द कम्युनिकेशन डायग्राम एज वेल, लेकिन कम्युनिकेशन डायग्राम आपको ज़्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग देती है कि हाउ योर कंपोनेंट्स आर गोइंग टू कम्युनिकेट एंड डायरेक्ट विद ईच अदर, रादर देन आप सिर्फ उनका जो है वो एक किस तरह से इवेंट्स किस सीक्वेंस में आ रहे हैं, बस ये चीज़ आप इसके ऊपर एम्फसाइज करो, ठीक है। सो जब भी आपके प्रोग्राम के अंदर फिजिकल कम्युनिकेशन को अंडरस्टैंड करना होता है, तो ये जितने भी हमारे सॉफ्टवेयर के बिजनेस एनालिस्ट होते हैं, ऑर्गेनाइजेशंस या इंजीनियर्स होते हैं, इन्हें विजुअलाइज करना पड़ता है कि क्या प्रोग्राम के अंदर फिजिकल कम्युनिकेशन हो किस तरीके से रही हैं। तो इसकी अंडरस्टैंडिंग के लिए दे ऑलवेज गो फॉर द कोलैबोरेशन डायग्राम या फिर कम्युनिकेशन डायग्राम, ठीक है। सो यहाँ पर हम बात करते हैं कि क्या नोटेशंस मेरे पास जनरल यूज़ हो रही हैं। सो आपको आइडिया होना चाहिए कि आप के ऑब्जेक्ट्स की हम इसमें बात करेंगे। वी आर गोइंग टू टेक द आइडिया अबाउट द ऑब्जेक्ट्स कौन कौन से हैं, जैसे हमने सीक्वेंस में देखे थे। हम यहाँ पे भी लिंक्स मेंटेन करेंगे, जैसे मेरा एक ऑब्जेक्ट का दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ कोई ना कोई तो इंटरेक्शन होना है ना, सो इसको भी मैं लिंक्स जनरेट करके वो इंटरेक्शन शो करवाऊँगी। अब उनके दरमियान जो है वो इंटरेक्शन होगा, तो ज़ाहिर है इंटरेक्शन आपका मैसेजेस के साथ ही होता है, ठीक है। सो यहाँ पर हम मैसेजेस भी शो करवाएंगे, लेकिन हमने ऑर्डर का भी बड़ा ख्याल रखना है। जो ऑर्डर हम शायद यहाँ पे आप देखोगे कि नंबरिंग्स के थ्रू शो करवा रहे होंगे, ठीक है जी। सो बेसिक स्टेप्स अगर हम देखें, सो सबसे पहले आपको क्या करना है, वही चीज़ जो हम हमेशा हर डायग्राम में देख रहे होते हैं, कि आपको जितने आपके रोल्स आइडेंटिफाई हो रहे हैं ना, रोल फाइंड आउट कर लें, कि पहले ऑब्जेक्ट्स आप फाइंड आउट कर लें कि हैं कौन कौन से, किसका क्या रोल है, ठीक है। फिर आप बैठ के देख लें, जैसे आपने सीक्वेंस डायग्राम
डायग्राम में देखा था कि किसके दरमियान क्या लिंकिंग है, क्या कि लिंकिंग क्या है, आपस में इंटरेक्शन उनकी आइडेंटिफाई कर लेंगे कि इनका किसके दरमियान जो है वो किस किसके साथ इंटरेक्ट होना है, ठीक है। और फिर आपने देखना है कि उनके दरमियान किस तरीके से मैसेजेस पास हो रहे हैं, सही है, कि भाई आप एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, तो हमने देखा इंटरेक्शन हो रही है, तो भाई कोई ना कोई जो इंटरेक्शन हो रही है उनके दरमियान जो लिंकिंग है, जो मैसेजेज ही तो पास हो रहे हैं, ठीक है, आप वो देखें कि कौन से हो रहे हैं, ठीक है। और समटाइम्स जो इंटरेक्शन है वो एक मैसेज या एक थ्रेड से नहीं, मल्टीपल थ्रेड्स के साथ हो रही होती है, सो वी आर गोइंग टू सी लाइक दैट। ओके, सो व्हाट वी हैव एक जर्नल कंक्लूजन ले लेते हैं कि क्या हमने पॉइंट्स किए हैं, कि हमने नोटेशंस ऑब्जेक्ट्स बनाने हैं, लिंक्स बनाने हैं, मैसेजेस को देखने हैं, हमने रोल्स आइडेंटिफाई करने हैं, हमने इंटरेक्शन देखने हैं ऑब्जेक्ट्स के दरमियान, सिंगल है या कंकरेंट इंटरेक्शन आ रहे हैं, और जो भी उनके दरमियान जिस भी तरतीब से मैसेजेस पास होंगे हमने उन थ्रेड्स को बेसिकली क्या करना है, सिक्वेंशली नंबर करना है, ठीक है ना। और मार्क विद द एरोज़ फॉर द डायरेक्शन, जाहिर सी बात है एरोज़ फॉर, आप आगे डायग्राम में देख लोगे कि कैसे हमने रोल डिफाइन करके जो लिंक क्रिएट किया है उसको आप बता रहे होंगे कि मैसेज जो है वो कहाँ से किस तरफ को जाएगा, किस तरफ पास हो रहा है, ठीक है जी। सो ये एक पॉइंट था जो हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिया। आगे हम चलते हैं, तो इस डायग्राम को हमने डिटेल में तो नहीं देखना, लेकिन इसके अंदर में हम पिछले तमाम पॉइंट्स जो हैं वो देख रहे हैं। अच्छा, क्या पॉइंट्स हमने देखने हैं, आप देखो कि यहाँ पर हमने ऑब्जेक्ट्स जो हैं, अच्छा ये एग्जाम्पल कौन सी है, ये वही डायलिंग कॉलर कॉली की है जो हम अपनी आम तौर पर मुख्तलिफ यू नो डायग्राम्स में हमने देखी हैं। उसके अंदर मेरे पास जो है वो एक कॉलर है और एक कॉली है और बीच में मेरा कॉल सिस्टम है। तो आप देखो जितने एक्टर्स इसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं और जितने भी ऑब्जेक्ट्स इसके अंदर इन्वॉल्व हो रहे हैं, हमने वो चीज़ें रिप्रेजेंट करनी है। एक्टर्स को हमेशा हम स्टिक से कर रहे हैं, ये जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनको हमने जो है वो इस बॉक्स के थ्रू रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है। इनके दरमियान आपस में लिंक है जो हमने ऐसे लिंक शो करवा दिया, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने रोल्स आइडेंटिफाई कर लिए कि यार इस सिस्टम में मेरे पास कॉलर है तो मैंने ये बता दिया, ठीक है ये। और फिर उसके बाद मैंने जो है वो अपने ऑब्जेक्ट्स को रिप्रेजेंट करना है रेक्टेंगल से, और ये जो क्लास से ये जो इंस्टांसेस हैं इनके दरमियान मैंने लिंक्स जो क्रिएट करना है वो ऐसे मैंने लाइंस लगा के करना है। ये लाइन क्या शो करवा रही हैं, ये लाइन शो करवा रही हैं कि मेरी एप्लीकेशन के जो डिफरेंट पार्ट्स हैं, यानी कि डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं जिसके अंदर मेरे एक्टर्स और ये ऑब्जेक्ट सिस्टम शामिल हो रहे हैं, इनके दरमियान आपस में कोई ना कोई क्या है, रिलेशनशिप है, ठीक है। आप देख रहे होंगे कुछ मैंने यहाँ पे मैसेजेस लिखे हैं। मैसेजेस जो है वो आपके पास एक बड़ा ही परफेक्ट, यानी कि इस तरीके से वर्ड होना चाहिए, प्रॉपर वर्डिंग, जिससे पढ़कर समझ आए, कोई एम्बिग्यूटी ना लगे, जिससे पढ़कर समझ आए कि ओके ठीक है ये प्रोसेस जो है वो क्रिएट हो रहा है या ये एक्शन जो है वो लिया जा रहा है, ठीक है। एंड जितने भी मैसेजेस हैं, अगर आप एक पर हर मैसेज का के साथ जो है ना, आप देखो कि उसके नीचे क्या होता है, एक एरो डिपिक्ट कर रहा होता है। अगर ये सारे मैसेजेस जो हैं वो इस साइड से इस तरफ जा रहे हैं, तो सारे मैसेजेस मैंने एक साथ लिख दिए और उसके नीचे मैंने एक एरो जो है वो डाल दिया। ये एरो क्या प्रेजेंट कर रहा है, ये एरो प्रेजेंट कर रहा है कि मेरे जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनके दरमियान मैसेजेस सेंड हो रहे हैं और किस डायरेक्शन में हो रहे हैं। दूसरी चीज़ ये कि हमारे पास क्या है, नंबरिंग। ये नंबरिंग मुझे क्या बताती है, ये नंबरिंग मुझे बताती है कि मैसेजेस तो सेंड हो रहे हैं लेकिन किस ऑर्डर में सेंड हो रहे हैं, ठीक है। और हाउ मैनी मैसेजेस आर गोइंग टू रिक्वायर्ड टू फिनिश दिस पर्टिकुलर प्रोसेस, ठीक है जी। सो अगर इस ओवरऑल डायग्राम में देखें तो टोटल 8 मैसेजेस हैं जो कि इस पूरे प्रोसेस के लिए मुझे रिक्वायर है। तो इससे मुझे क्या लेना था, इस डायग्राम से मुझे सिर्फ आइडिया समझना था कि भाई किस तरीके से हम जो है वो कोलैबोरेशन डायग्राम को क्रिएट करते हैं, ठीक है। वंस आई हैव मेड दिस देन आई कैन गो नेक्स्ट। तो ये पॉइंट्स मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ पीछे के, जो सिंबल्स और नोटेशन मेरी कम्युनिकेशन डायग्राम में यूज़ होते हैं, मेरे पास रेक्टेंगल्स होते हैं, मेरे पास लाइंस होती हैं, मेरे पास एरोज होते हैं और मेरे पास नंबरिंग होती हैं, ठीक है जी। सो ये पॉइंट्स हमने डिस्कस कर लिए और ये हम ऑलरेडी डिफरेंट उस पर हम रिप्रेजेंट कर चुके हैं। मैं एक एग्जाम्पल अगर हम जनरली देखने की कोशिश करें और उस एग्जाम्पल पे हम क्या करें कि भाई एग्जाम्पल हमें क्या कहती है, एग्जाम्पल कहती है कि मेरे एक कम्युनिकेशन डायग्राम या कोलैबोरेशन डायग्राम तुम बना लो और
क्या एक्सप्लेन कर रही हो कि कैलेंडर छोटा सा प्रोसेस है कि कैलेंडर के अंदर ना इवेंट जनरेट करना है. आपके कैलेंडर नहीं होते, कैलेंडर को आप ओपन करते हो, अगर जनरल रियल लाइफ में आप जाकर देखो तो क्या होता है, आप कैलेंडर को ओपन करते हो, आपके पास डिफरेंट डेट्स आ जाती हैं. अगर आपने किसी एक पर्टिकुलर में इवेंट को जनरेट करना है तो आप क्या करते हो, अपनी इवेंट रिक्वेस्ट विंडो को क्लिक करते हो, टीपी इवेंट करना है, ठीक है. एक फॉर्म आपके सामने खुल जाता है, जो अगर आपका गूगल के साथ अटैच है, माइक्रोसॉफ्ट के साथ अटैच है, तो आपका एक फॉर्म जो है वो खुल जाएगा, जिसके अंदर जो है वो तमाम डेट्स और टेबल के लिए इवेंट्स के लिहाज से ना एक टेबल ऑलरेडी जनरेट हुआ होगा, ठीक है. तो वो क्या करेगा कि आपने उस फॉर्म पे जो इवेंट की अगर रिक्वेस्ट देनी है तो वो पहले डेट चेक करेगा कि भी वो जो डेट आप कह रहे हो उस डेट पर ऑलरेडी कोई इवेंट तो नहीं है, क्या वो अवेलेबल है भी या नहीं है, ठीक है. सो अगर वो अवेलेबल होता है तो आपका कैलेंडर जो है वो इवेंट की रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करके उस कैलेंडर में उस पर्टिकुलर डेट पे वो इवेंट क्या कर लेगा, ऐड कर लेगा. एंड देन समहाउ आपके पास उस इवेंट जनरेशन की ईमेल भी आ जाती है, ठीक है, कि भाई ईमेल अलर्ट क्या बताती है कि आपका जो इवेंट है वो इस फलानी फलानी डेट को क्या हो चुका हुआ है, क्रिएट हो चुका हुआ है, ठीक है. एंड देन यू कैन से कि आपकी इवेंट की लिस्ट के अंदर एक न्यू इवेंट भी ऐड हो जाता है. तो ये जो प्रोसेस था ये मैंने क्या इमेजिन किया सिर्फ एक लाइन को पढ़ के कि हाउ टू ऐड एन इवेंट टू द कैलेंडर, ठीक है. सो अब अगर मैं एक जनरल चीज़ इसके अंदर मिलाऊँ तो मेरे पास एक एक जनरल यू नो सिनेरियो था कि मैंने क्या करना है, ठीक है. अच्छा अब मैं देखूँ कि यार इसके अंदर कौन कौन से मेरे पास जो है वो ऑब्जेक्ट्स इन्वॉल्व होंगे. भाई मेरे पास एक इवेंट रिक्वेस्ट विंडो होगी एक, ठीक है ना, जिसके अंदर से मैंने क्या करना है, अपनी इवेंट को रिक्वेस्ट करनी है, यानी कि इवेंट जो है वो जनरेट करना है, ठीक है. इसके बाद जो मेरे पास एक्शन परफॉर्म होगा ना इससे, वो क्या होगा भाई, एक्शन ये परफॉर्म होगा कि मेरे पास जो है ना वो एक फॉर्म खुल जाता है, ठीक है, फॉर्म ओपन हो जाता है. ये इसके साथ की फंक्शनैलिटी ज्वाइन है. और फिर मेरी इवेंट की रिक्वेस्ट जाती है, ठीक है, इवेंट की रिक्वेस्ट जनरेट होती है, ये मैंने इधर से एक्सट्रैक्ट कर लिया एक इन्फॉर्मेशन, ठीक है ना. अच्छा इवेंट की रिक्वेस्ट कब होगी, ये इवेंट की रिक्वेस्ट कब होगी, जब मेरे पास क्या होगा, व्हाट आई कैन से, जब मेरे पास क्या होगा, पहले डेट चेक होगी, ठीक है ना. सो सबसे पहले जो है, अब देखो ये वाला क्या हो गया, ये मेरा फॉर्म खुलना जो है ये मेरा पहला काम हो गया, ठीक है, कि ये फॉर्म मेरा खुल रहा है, पहले फॉर्म खुलता है, ठीक है. और अभी मेरी रिक्वेस्ट जनरेट नहीं हुई, इसी की थ्रेड में एक दूसरा जो कॉन्करेंट मेरे पास काम होता है वो कौन सा होता है, कि मेरी डेट पहले चेक होती है, ठीक है. तो डेट चेकिंग आ गई, ठीक है, या आई कैन राइट चेकिंग डेट, ये काम हम कर देते हैं, ठीक है. और आप देखो कि ये कोई सेपरेट काम नहीं है, ये इसी के टाइम फॉर्म खुल के ही हमारे पास जो है उस पर्टिकुलर उसमें डेट चेक हो जाती है. तो क्योंकि ये इसी का ही सब वर्क है, ठीक है, सो आई कैन डू लाइक दिस कि मैं इसको 1.1 भी कर सकती हूँ, ठीक है, नंबरिंग देनी होती है ना. तो आई कैन से कि अच्छा ये जो पहला सब पार्ट है मेरे पहले मैसेज का, पहले काम का, ठीक है. अगर मेरा इसके आगे भी कोई काम मजीद होता जो इसके बाद होना था या इसके इससे ही जुड़ा होना था मेरे पहले के काम के साथ ही, तो मैं उसको नाम दे देती 1.2 का, जो शो करवाता कि मेरा सेकंड सब पार्ट है मेरे पहले मैसेज का, ठीक है ना. सो आफ्टर दिस थिंग दिस इज़ गोइंग टू हैपन, ठीक है. सो अच्छा उसके बाद इवेंट की रिक्वेस्ट जो है वो कब जाएगी, जब मेरे पास उस डेट की अवेलेबिलिटी होगी, ठीक है. तो 1.2 पे क्या होना चाहिए कि मेरे पास क्या अवेलेबल है भी या नहीं है. अगर अवेलेबल में ट्रू आ जाता है, ठीक है, तो तब जो है वो क्या होनी चाहिए, इवेंट की रिक्वेस्ट होनी चाहिए. तो आप देखो कि इसके अगेंस्ट मेरे पास इतने सारे काम थे जो मैंने एक्सट्रैक्ट किया अपने प्रोसेस से, तब जाके जो है वो मेरी इवेंट की रिक्वेस्ट हुई, ठीक है. अच्छा अब इवेंट की जब रिक्वेस्ट हुई तो इसके अंदर इवेंट की रिक्वेस्ट के बाद क्या होता है नॉर्मली, भाई इवेंट की रिक्वेस्ट जनरेट हो गई, स्पेस भी अवेलेबल है, तो वो इवेंट ऐड हो जाता है ना. तो ये मेरा सेकंड जो है वो पार्ट आ गया. अब सेकेंड पार्ट में क्या होगा कि मेरे पास जो है वो ऐड हो जाएगा. कहाँ ऐड हो जाएगा, ऐड हो जाएगा कहाँ पे, कैलेंडर में, ठीक है, जो भी कैलेंडर है मेरे पास, ठीक है. तो ये जो है वो हम इसका कलर चेंज कर देते हैं, ठीक है, जस्ट टू शो कि ये मेरे मेजर नॉट लाइक दिस, अच्छा सारे इकट्ठे ही होगा, ठीक है. सो
ठीक है जी। सो यहाँ पर ये क्या चीज़ आ गई जी कि इसके अंदर हमने शो करवा दिया कि ये मेरा कैलेंडर पे आएगा। अच्छा, कैलेंडर पे ऐड हो गया, लेकिन अब यहाँ पर जब कैलेंडर में ऐड होता है तो फिर उसके बाद मैंने क्या किया था कि मेरी ईमेल जाती है, ठीक है। तो ऐडिंग के बाद मेरा पास जो है वो साथ ही ऐडिंग के साथ ही मेरा 2.1 भी मैं इसको कह सकती हूँ, ठीक है ना। और मैं इसको यानी कि ये सारे काम एक साथ जुड़े ही हुए हैं, ठीक है। मैं आगे डायग्राम में आपको मज़ीद बताऊँगी। तो फिर उसके बाद हम एक और काम कर सकते हैं, दैट इज़ कि वो क्या है, सेंड ईमेल का, ईमेल का एक्शन जो है वो मैसेज चला जाएगा, ठीक है। और मुझे जो है वो क्या मिल जाएगी, ईमेल अलर्ट मिल जाएगी, ठीक है। ये कुछ चीज़ें थी जो मैंने क्या की हैं, एक्सट्रैक्ट की हैं अपने इस एग्जाम्पल के थ्रू, सिनेरियो के थ्रू। सो अब हम एग्जैक्टली सेम चीज़ों को मैप करते हैं अपनी एक्चुअल डायग्राम पे। सो दिस वाज द डायग्राम ऑफ द प्रोसेस फॉर एडिंग इवेंट इन द कैलेंडर। सो इसके अंदर अगर आप देखो तो मेरे पास एक ये इवेंट रिक्वेस्ट विंडो आ गई, ठीक है। इवेंट खुद रिक्वेस्ट हो गई, मेरे पास कैलेंडर बीच में आ गया, मेरे पास ईमेल अलर्ट आ गई और ख़ुद इवेंट जनरेट हो गया, ठीक है जी। अब इसके अंदर हम कर क्या रहे हैं, हम लोगों ने जो है वो इस ऑब्जेक्ट्स बना लिए अपने, ठीक है जी। अब उसके अंदर हमने सिंपली क्या करना है, कनेक्शन बिल्ड करने हैं। इवेंट रिक्वेस्ट विंडो का इवेंट रिक्वेस्ट के साथ कनेक्शन होगा, इवेंट रिक्वेस्ट का कैलेंडर के साथ कनेक्शन होगा, एंड इवेंट रिक्वेस्ट की शो करवा रहे हैं कि खुद एक इवेंट भी जनरेशन भी हम शो करवा रहे हैं कि भाई अगर इवेंट हो ही गया तो फिर फाइनली आपका एक इवेंट जनरेट हो गया, ठीक है। कैलेंडर का जो है वो हमने ईमेल अलर्ट के साथ कनेक्शन बिल्ड करवा दिया। सो सबसे पहले व्हेन एवर आई एम गोइंग टू रिक्वेस्ट, तो मेरे मैंने एक इवेंट रिक्वेस्ट विंडो पे जब मैंने इवेंट की रिक्वेस्ट करनी है तो मेरे पास एक फॉर्म ओपन होगा, दिस इज़ गोइंग टू हैपन एट फर्स्ट, ठीक है। तो ये मेरा पहला मैसेज था जो कि क्या है, रेंडर फॉर्म रेंडर हो गया, ठीक है जी। अच्छा, अब उसके बाद इसी फॉर्म पे ही बेसिकली इसी मैसेज के साथ ही लिंक्ड है आपका कि भाई आपकी डेट चेक होगी, तो डैट इज़ गोइंग टू बी योर 1.1 मैसेज, ठीक है। आप कॉन्करेंट थ्रेड्स बना सकते हैं, अगर आपको इसमें मुश्किल लगे तो आप सेपरेट भी कर सकते, अदरवाइज जो एक ही चीज के साथ लिंक्ड हो हम उसी को कॉन्करेंट थ्रेड्स के साथ शो करवाते हैं। सो मेरी डेट चेक हुई, इसी में ही अगर डेट अवेलेबल है दैट इज गोइंग टू बी दी 1.2, तब मेरे मैं वापस कहां पर आई, अपनी इवेंट प्रॉपर इवेंट रिक्वेस्ट तब हुई, ठीक है। नाउ एक प्रोसेस खत्म हुआ, ठीक है। अब मेरे पास क्या है, सेकेंड शुरू हुआ कि भाई इवेंट अवेलेबल थी जगह, मेरी इवेंट की रिक्वेस्ट जनरेट हो गई। जब इवेंट की रिक्वेस्ट हुई तो कैलेंडर में वो इवेंट क्या हो गया, उस डेट पे ऐड हो गया। सो ये मैंने अपना मैसेज शो करवा दिया 2 का। अब यहाँ पर अगर आप देखो तो 2A शुरू हुआ, 2A के साथ लिंक्ड है, 2A यानी कि पार्ट्स इसमें जनरेट किए गए हैं। आप चाहें तो इसको डायरेक्ट 2 भी कर सकते हैं, ठीक है ना। इसमें कोई वैसी मतलब स्पेसिफिक चीज़ नहीं है कि आपने ऐसे ही करना है। तो आप देखो 2A और 2B ये दोनों लिंक किए हुए हैं कि इवेंट 2A में ऐड हो गया और 2B में शो करवाया कि वो इवेंट जो है वो खुद न्यू इवेंट एक्चुअल में क्रिएट हो गया, ठीक है। डैट इज़ द इवेंट क्रिएशन। लेकिन इसी एडिशन के साथ ही जुड़े हुआ चीज़ है कि जैसे ही ऐड हुआ साथ ही आपके पास ईमेल भी जनरेट हुई, ठीक है। सो दैट 2, अगर A को लेकर चलें तो A भी साथ आ जाएगा, लेकिन अगर खाली 2 को लेकर चलें तो इसका 2.1 मैसेज जो है वो बेसिकली क्या है कि आपके कैलेंडर में एडिशन के साथ ही जो है वो ईमेल सेंड हो गई और आपको ईमेल की अलर्ट मिल गई, ठीक है। एंड फाइनली इट इफ़ यू वांट तो आप ये चीज़ शो करवा सकते हैं इन द न्यू इवेंट कि आपका इवेंट जो है वो क्या हो गया, जनरेट हो गया। ये एक नहायत सिंपल एग्जांपल थी जिसके अंदर जो है वो एक सिनेरियो के साथ मैंने ऑब्जेक्ट्स और कुछ लिंक्स जनरेट किए, रेक्टेंगल्स बनाए, पॉसिबल जो इंटरेक्शन थी वो फाइंड आउट करके हमने सीक्वेंस ऑफ जो मैसेजेस थे उनको देखा और उनका ऑर्डर हमने नंबरिंग के फॉर्म में शो करवा दिया, ठीक है। अब ये मुझे एक पूरे प्रोसेस की बिग पिक्चर दिखा दिया। एक फाइनल एग्जांपल कर लेते हैं, हमारी वही फेमस एलिवेटर प्रॉब्लम जो कि हमने लास्ट टाइम भी देखी थी। और इसके अंदर क्या एक्सपेक्टेड था कि मेरे पास जो है वो एक बिल्डिंग है, उसके अंदर एन एलिवेटर्स हैं, हर फ्लोर पे जो है वो एलिवेटर लगी हुई, मतलब एलिवेटर का की एसेस है, और इस सवाए फर्स्ट फ्लोर के एंड ईच फ्लोर एक्सेप्ट द फर्स्ट फ्लोर एंड द टॉप फ्लोर, यानी कि पहले और टॉप के अलावा सबके पास दो दो बटन्स हैं, ठीक है, एक ऊपर जाने का और एक नीचे जाने का, ठीक है ना। तो जाहिर
सी बात है, फर्स्ट फ्लोर से आप जो है वो नीचे तो नहीं मजीद जा सकते हो ना, अगर बेसमेंट नहीं है तो ऊपर ही जाओगे, इसलिए वहाँ पर एक ही बटन मौजूद होगा। इसी तरह टॉप फ्लोर से आप सिर्फ नीचे ही आओगे, मजीद ऊपर नहीं जा सकते हो, इसलिए वहाँ पर भी एक ही बटन डाउन का होगा, बाकी सब पे ऊपर और नीचे के दो दो बटन है। ठीक है जी, सो वही है, आपको हर एलिवेटर, ईच एलिवेटर हैज़ अ सेट ऑफ एम बटन्स, वन फॉर ईच फ्लोर, एंड दीज इल्यूमिनेट्स व्हेन प्रेस्ड एंड कॉज द एलिवेटर टू विजिट द कॉरस्पॉन्डिंग फ्लोर। जब भी बटन प्रेस किया जाता है तो अपनी बारी पे एलिवेटर जो है वो उस पर्टिकुलर फ्लोर पे विजिट करती है। ठीक है, और आप यहाँ पर देख लें कि उसने जो पॉइंट बताया हुआ है कि डैट इज़ के देयर इज़ अ डिस्प्ले विंडो डैट शोज द करंट फ्लोर बीइंग विजिटेड बाय द एलिवेटर, एक डिस्प्ले विंडो भी है जो बता रही है कि इस टाइम आपकी एलिवेटर जो है वो किस जगह मौजूद है। और जब एलिवेटर हैज़ नो रिक्वेस्ट, जब कोई भी रिक्वेस्ट नहीं है, तो इट रिमेंड एट इट्स करंट फ्लोर विद इट्स डोर क्लोज, वो जिस जगह पर उसकी लास्ट जो थी वो सर्विस थी, वो उधर ही उसी करंट फ्लोर पर रिमेन रहेगी और उसका डोर क्लोज रहेगा, वो कोई भी मूवमेंट क्रिएट नहीं कर रही होगी। सो अब यहाँ पे हमने अपने अगर फाइंड आउट करें तो मेरे पास एक्टर में विजिटर था, और कौन कौन से ऑब्जेक्ट्स थे मेरे पास, एलिवेटर बटन था, खुद एलिवेटर थी और एलिवेटर डोर था। ये एग्जाम्पल हमने पहले भी सीक्वेंस डायग्राम में की है, हमने सबके आपस में कनेक्शन बिल्ड किए, बट इस दफ़ा हमने जो काम बताने हैं, मैसेजेस जो रिलेशन देखना है वो कैसे है विद नंबर्स है। ठीक है, सो हमने सबसे पहले विजिटर जो है वो एलिवेटर बटन के साथ अपना लिंक जनरेट करेगा, हाउ, बाय पुटिंग द अप फ्लोर रिक्वेस्ट। ठीक है, तो अब आप देखो कि सबसे पहला नंबर वन पे मेरे पास अप फ्लोर रिक्वेस्ट आएगी एंड डायरेक्शन इज दिस। ठीक है, नंबर टू पे एलिवेटर बटन जो है वो बटन का, जाहिर सी बात है एलिवेटर का जो अपना सिस्टम है उसके साथ लिंक जनरेट होगा, और बटन जो है वो रिक्वेस्ट भेज देगा एलिवेटर को, एंड दैट इज बेसिकली नंबर टू, एंड अप फ्लोर रिक्वेस्ट जो है वो मेरे सिस्टम के ऊपर चली जाएगी। ठीक है ना। अच्छा, अब यही एलिवेटर जो है वो रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करके आपका बटन टर्न ऑन कर देगी, कि जस्ट टू शो कि आपकी रिक्वेस्ट जो है वो एक्सेप्ट हो चुकी हुई है। ठीक है, एंड ये वापस आप डायरेक्शन देखो, नंबर थ्री पे क्या है, टर्न बटन ऑन। ठीक है, व्हेन इट हैपेंस, तो उसके बाद आपके ख्याल में क्या होना चाहिए, जब बटन ऑन हो गया तो जाहिर है बट आपको पता लग गया कि भी एलिवेटर ने आपकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली है, लेकिन वो अपनी नॉर्मल मूविंग पोजीशन पे ही है, सो इट नाउ इट इज़ गोइंग टू कम योर मूव इन टू द ऑन टू द रिक्वायर्ड फ्लो। ठीक है, सो अब ये एलिवेटर का यहाँ पर देखो लूप जनरेट है, और आपको सीक्वेंस डायग्राम में हमने ये चीज़ एक्सप्लेन की थी कि ये अपने अंदर ही जो है ये बेसिकली मूव कर रही है। ठीक है, सो ये सिस्टम कहीं बाय शो नहीं हो रहा कि जी आई एम इन द मूविंग स्टेट। सो फोर्थ पे पर्टिकुलरली उसने रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली, उस रिक्वेस्ट को FCFS के यानी कि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व को देखते हुए वो अपने रिक्वायर्ड फ्लोर पे क्या कर गई, मूव कर गई। ठीक है, अच्छा, अब फिर उसके बाद क्योंकि अब वो आ चुकी है, तो अब बटन तो वापस टर्न ऑफ होना है। अब एलिवेटर का अगेन ताल्लुक किससे बना, बटन के साथ, तो ऑन द फिफ्थ पॉइंट आपने क्या लिख दिया कि टर्न बटन ऑफ। ठीक है, अच्छा, फिर क्या होगा, अब एलिवेटर ने जो आपका सिस्टम था उसने किसके साथ कनेक्शन बिल्ड करना है, अपने डोर के साथ, तो सिक्स पे क्या होगा, आपका डोर ओपन होगा। ठीक है ना, और आपको याद हो अगर रियल टाइम एलिवेटर से, जो हमने सीक्वेंस डायग्राम में भी किया था कि जैसे ही डोर ओपन होता है तो तीन या चार टाइम्स जो है वो एक साउंड बजता है, दैट इज़ जस्ट एन एक्नॉलेजमेंट के ओके ठीक है डोर जो है वो ओपन हो चुका है। ठीक है, एंड एक्नॉलेजमेंट जो है वो वापस सिस्टम को जाती है, एंड आफ्टर सम स्पेसिफिक टाइम, टाइमर, एक स्पेसिफिक टाइमर है, उसके बाद आपकी डोर जो है वो क्लोज हो जाती है। देयर आर नो कंडीशंस जो हमने यहाँ पर मैप करनी है, वी आर जस्ट गोइंग टू शो क्या हम दिखा रहे हैं, जो हमने अपनी एक प्रॉपर बनाई थी कि कोलैबोरेशन कम्युनिकेशन डायग्राम बेसिकली क्या ऑफर करवा रही है, तमाम इन्फॉर्मेशन वही है जो सीक्वेंस डायग्राम की है, लेकिन सीक्वेंस डायग्राम आपके पास टाइम ऑर्डर ऑफ इवेंट्स को शो करवा रही है, एंड कम्युनिकेशन डायग्राम आपका जो आपके ऑब्जेक्ट्स के दरमियान एप्लीकेशन के अंदर रहते हुए मैसेजेस जो पास हो रहे हैं उस पर एम्फसाइज करवा रही है। ठीक है, सो होप सो डायग्राम से आपको जो है वो क्लियर हो गया, और एनी क्वेश्चन यू आर वेलकम, एंड हम जो है वो इसको मजीद देखेंगे। सो हमने जितने भी आपके छोटे छोटे यूज केसेस बने थे आपके एक पर्टिकुलर एप्लीकेशन को लेते हुए, प्रॉब्लम को लेते हुए, आप उनको मैप कर सकते हो अपने सिनेरियोस को इस कोलैबोरेशन डायग्राम में भी। थैंक यू सो मच।